हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, अभी फरवरी महीना, मार्च महीना आने वाला है। फरवरी महीना अभी चल रहा है, मार्च महीना अभी आने वाला है। अब ये जो जनवरी से लेके मार्च महीने का जो टाइम रहता है, ये वन ऑफ द क्रूशियल टाइम रहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है अगर आप अपने प्लांट पे पूरे साल अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो। यानी कि मार्च से लेके दिसंबर तक अगर आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो, तो ये जो 3 महीने है, ये 3 महीने का आपको सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है। मैं खास करके उन पौधों की बात कर रहा हूँ जो पूरे साल आपके गार्डन में चल सकते हैं, जैसे कि हमारे जास्मिन वैरायटी के पौधे, बाद में हमारे हाइबिस्कस के पौधे, रोज़ भी कुछ हद तक, रोज़ भी कुछ वैरायटीज़ ऐसी आती है जो समर सीज़न में भी आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकते हैं, और जो हमारे इग्ज़ोरा के पौधे, ये कुछ ऐसे फ्लावरिंग्स वाले प्लांट है जो आपको पूरे साल फ्लावरिंग्स दे सकता है मार्च महीने से लेके दिसंबर महीने तक। अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें हमें करनी है, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके कि हमें ये सीज़न में क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, दिसंबर के बाद से आपका प्लांट डोरमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। डोरमेंसी के दरमियान आपको अपने प्लांट के अंदर सबसे पहली चीज़ नहीं करनी है, वो है ओवर वाटरिंग। डोरमेंसी में जनरली आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो थोड़े से डल देखने को मिल जाएंगे। आपको लगेगा प्लांट के ऊपर माइट्स या तो कोई डिजीज़ लगी है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है, वो पत्ते को गिरने दीजिए। वो पत्ते यूजलेस है, वो पत्ते आपके प्लांट के ऊपर कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर वो पत्ते गिर जाते हैं तो गिरने दीजिए। अगर आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट लगे हो, माइट्स लगे हो, थ्रिप्स लगे हो, कुछ भी लगा हो, लगने दीजिए। वो काम करेंगे आपके प्लांट के ऊपर से जो भी पुराने पत्ते हैं उसको गिराने में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि जैसे ही प्लांट के पत्ते गिरेंगे प्लांट को वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपको लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी देना पड़ेगा, तो ये गलती मत कीजिएगा। सॉइल को ड्राई करिए, उसके बाद हल्का हल्का थोड़ा सा पानी दे दीजिए, क्योंकि ये सीज़न में यानी कि जनवरी से फरवरी मिड तक आपके प्लांट को पानी की कम ज़रूरत होगी, क्योंकि लीव्स कम होंगे। अब जैसे ही फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर ये लीव्स सब गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, या तो आपको लगता है कि 25-50% जितने सारे लीव्स गिर चुके हैं, उसके बाद आपको शुरू करना है मेन प्रोसेस, वो है रिपोटिंग का, रूट प्रूनिंग का और स्टेम प्रूनिंग का। अब ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये तीन चीज़ों को आपको समझना होगा। सबसे पहले रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग कौन से प्लांट पे करनी है? रूट प्रूनिंग बेसिकली आपको वही प्लांट पे करनी है जिसके रूट्स बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल चुके हैं। सॉयल के अपर लेयर पे रूट्स उसके बाउंड होना स्टार्ट हो चुके हैं, बाहर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, और प्लांट के ड्रेनेज होल से सारे रूट्स बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे प्लांट को रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है। अगर आपके प्लांट के अंदर ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही है तो बिल्कुल भी रूट प्रूनिंग मत करिए, रूट्स को और ज़्यादा डेवलप होने दीजिए। तो ये चीज़ तभी करनी है जब आपके प्लांट के अंदर आपको कुछ ऐसे इंडिकेशन देखने को मिलता है। रिपोर्टिंग, देखिए रिपोर्टिंग बेसिकली आपको रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट के अंदर जो हल्के हल्के छोटे से फाइब्रस रूट्स बाहर निकल रहे हैं ड्रेनेज होल से, और अगर आपको लगता है कि प्लांट को रिपोर्ट करना है, उसको एक बड़ा गमला देना है, तो ये सीज़न सबसे बेस्ट होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे बड़ा गमला नहीं देना है, यही गमले में मुझे प्लांट को लगाना है, क्योंकि उसके रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं हुए हैं, सिर्फ हल्के हल्के फाइब्रस रूट सिस्टम पॉट के अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको करना ये है कि प्लांट को बाहर निकालना है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है सॉइल का, बेसिक जो नीचे वाला बॉटम लेवल होता है, वहाँ की मिट्टी को आप हल्का सा लूज़ कर लीजिए, हटा दीजिए। जो नीचे वाले जो रूट्स होते हैं, फाइब्रस रूट्स जो पतले पतले होते हैं, उनको थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए, और बाद में आप फिर से पॉट के अंदर अच्छी तरह ड्रेनेज फैसिलिटी बना के, पत्थर वत्थर रख के या तो सूखे पत्ते रख के प्लांट को बिठा दीजिए, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल दीजिए, ये पत्थर या तो ड्रेनेज होल के ऊपर हल्की सी एक आधे इंच एक इंच जितनी मिट्टी डाल दीजिए, और बाद में फिर से प्लांट को उसके ऊपर प्लेस कर लीजिए। कॉम्पोस्ट बॉटम लेवल में नहीं डालना है। अगर आप कॉम्पोस्ट बॉटम लेवल में डालोगे तो सारे रूट सिस्टम बॉटम में जाएंगे, और बॉटम में आपके प्लांट के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा कि बॉटम लेवल में हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र बेसिकली बीच के लेवल और अपर लेवल में होना चाहिए, बहुत ही बॉटम लेवल में फर्टिलाइज़र नहीं होने चाहिए। सूखे पत्ते चलेंगे, लेकिन कॉम्पोस्ट बॉटम लेवल में नहीं डालना है। सिंपल मिट्टी डाल दीजिए और बाद में प्लांट को उसके ऊपर प्लेस कर लीजिए, और बाद में जो अपर लेवल की साइड वाली जो मिट्टी है,
अपर लेवल की साइड वाली मिट्टी अराउंड 1 से 2 इंच जितनी मिट्टी को हटा दीजिए हल्के हल्के हाथ से। ज़्यादातर रूट सिस्टम को हमें डिस्टर्ब नहीं करने, उसको तोड़ना नहीं है। जितने ज़्यादा रूट सिस्टम होंगे आपका प्लांट उतना ही जल्दी फ्लावरिंग्स पे आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो हल्के हल्के से ऊपर वाली जो साइड वाली जो मिट्टी है 2 इंच जितनी मिट्टी को बाहर निकाल दीजिए और बाद में उसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए, उसको हम बोलेंगे रूट फिलिंग। अब ये रूट फिलिंग बेसिकली फ्रेंड्स ऑर्गेनिक मटेरियल से आपको करना होगा। आपको अपने अंदाज से आप कोई भी एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बना दीजिए, जैसे कि वर्मी कॉम्पोस्ट के साथ आपने थोड़ा सा बोन मील मिला दिया। सपोज़ आपने 3-4 मुट्ठी जितना वर्मी कॉम्पोस्ट लिया है उसके अंदर 1 मुट्ठी जितना बोन मील मिला सकते हैं, आधी मुट्ठी जितना आप नीम खली मिला सकते हैं। तो ये फर्टिलाइजर सारे मिक्स करके, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालना है ये ध्यान रखिए। ये सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बना के साइड के जो आपने 2 इंच जितनी मिट्टी निकाली है उसके अंदर 1 मुट्ठी जितना फर्टिलाइजर आपको भर देना है और बाकी का हिस्सा मिट्टी से भर के उसको कवर कर लीजिए और अच्छी तरह वाटरिंग कर लीजिए। ये होगा आपका रूट फिलिंग। अब फाइनली होगा आपकी स्टेम प्रूनिंग। स्टेम प्रूनिंग बेसिकली कब करनी है, देखिए फ्रेंड्स अगर आप अपने प्लांट के अंदर रूट प्रूनिंग करते हो, ये ध्यान से सुनिए, जिस दिन आप अपने प्लांट के अंदर रूट प्रूनिंग करते हो वो दिन में आपको स्टेम प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आप रूट फिलिंग करते हो, जैसे कि अभी मैंने बताया साइड की मिट्टी हटा के अगर आपने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल दिया, तो उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद भी आप अपने प्लांट के ऊपर स्टेम प्रूनिंग कर सकते हो, लेकिन उसी दिन मत करिए, अवॉइड कीजिए। जिस दिन आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम पे काम करते हो, या तो रूट सिस्टम ओपन करते हो या तो रिपोर्टिंग करते हो, ये सारी चीज़ें रूट से रिलेटेड है, तब हमारे प्लांट के रूट्स थोड़े से स्ट्रेस में चले जाते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको तब स्टेम प्रूनिंग नहीं करनी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे ही आप स्टेम प्रूनिंग करोगे, एक साइड से आपने अपने प्लांट के रूट सिस्टम को भी डिस्टर्ब किया है, तो दोनों चीज़ एक साथ करोगे तो प्लांट अपनी एनर्जी डिवाइड कर देगा रूट सिस्टम और स्टेम के ऊपर, यानी कि दो चीज़ में प्लांट अपनी एनर्जी डिवाइड करेगा तो प्लांट की जो ग्रोथ होनी है वो स्लो हो जाएगी, यानी कि रूट सिस्टम भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, प्लांट आपका ऊपर से भी यानी कि स्टेम से भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, खाली खाली सा प्लांट दिखेगा क्योंकि रूट्स भी उतने नहीं निकले और सामने प्लांट के ऊपर स्टेम प्रूनिंग आपने कर दी तो उतनी ब्रांचेस भी नहीं निकलेगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप अपने प्लांट के अंदर रूट प्रूनिंग करते हो, रिपोर्टिंग करते हो या तो रूट फिलिंग करते हो, तब आप अपने प्लांट के ऊपर स्टेम प्रूनिंग मत करिए। स्टेम प्रूनिंग आपको एग्जैक्टली करनी होगी 10 से 15 दिन के बाद, यानी कि जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें की है रूट सिस्टम से रिलेटेड, उसके 10 से 15 दिन का गैप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने प्लांट के ऊपर ये स्टेम प्रूनिंग कर सकते हो, क्योंकि तब तक अपने प्लांट जो है वो सारे फाइब्रस रूट्स अपने निकालना शुरू कर देते हैं, और जितने ज़्यादा फाइब्रस रूट्स आपके प्लांट्स के पास होंगे उतनी ही जल्दी प्रूनिंग के बाद आपका प्लांट शूट्स मारना स्टार्ट कर देगा, ज़्यादा ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर देगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, सर मेरा प्लांट बड़ा है, मेरे पास शेडी लोकेशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे शेड में रखना है तो मैं क्या करूँ। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपका प्लांट डोरमेंसी में है और अगर आप अपने प्लांट के अंदर रूट फिलिंग करते हो या तो रूट से रिलेटेड कोई भी काम करते हो या तो स्टेम प्रूनिंग करते हो, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने प्लांट को शेड में रखिए, आप अपने प्लांट को ओपन में रखिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके प्लांट के ऊपर पत्ते ही नहीं हैं। अगर आपके प्लांट के ऊपर पत्ते ही नहीं होंगे तो बाद में प्लांट को सनलाइट से कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा सनलाइट प्लांट को हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स निकालने में। तो इसीलिए हो सके तो आप अपने प्लांट को मॉर्निंग की सन दीजिए, बहुत ही ज़्यादा आफ्टरनून शेड में मत रखिएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जो ये डबल पेटल जास्मिन का जो प्लांट था उसको फुल सनलाइट में रखा था, दोपहर के धूप में रखा था और प्लांट के पत्ते बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट मेरे प्लांट के ऊपर पत्ते भी लगे थे लेकिन फिर भी एक भी पत्ता डाउन नहीं हुआ, स्ट्रेस में नहीं गया, तब मैंने प्लांट के अंदर रूट प्रूनिंग की थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो महीना है फेब्रुअरी का महीना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म महीना भी नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ये टेम्परेचर परफेक्ट होता है हमारे प्लांट के ऊपर ये सारी चीज़ें करने के लिए। अब फाइनली फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली। अब जब आप अपने प्लांट के अंदर प्रूनिंग करते हो उसके 1 हफ्ते के बाद से अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक में ही जाना है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उसके बाद कंटिन्यू करते रहिए वीकली बेसिस पे, हर हफ्ते एक बार आपको अपने प्लांट को फीडिंग करनी होगी। कोई भी फीडिंग करिए, अगर आप ऑर्गेनिक करते हो तो लिक्विड फीडिंग करिए, जैसे कि वर्मी कॉम्पोस्ट लिक्विड, काउडंग लिक्विड, अगर आप घर का जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो जैसे कि चावल का पानी, होममेड किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट, इसका फीडिंग आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो। अगर आप कॉम्पोस्ट डालते हो तो 20 ग्राम 25 ग्राम जितना कॉम्पोस्ट एवरी वीक आप अपने प्लांट की मिट्टी के ऊपर डालिए और अच्छी तरह वाटरिंग कीजिए,
तो ये सारे फर्टिलाइजर्स प्रूनिंग के बाद एक हफ्ते के बाद आप शुरू कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और नहीं करनी ये सीज़न में। तो आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।